हेलो गाइस, माय नेम इज अब्दुल वाहिद। आज हम लोग पढ़ेंगे द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ट्रायंगल के अंदर कितने नंबर ऑफ मीडियन होते हैं और कितने नंबर ऑफ एल्टीट्यूड होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि जो है नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं और अपोजिट साइड का अपोजिट वर्टेक्स क्या होता है और अपोजिट वर्टेक्स का अपोजिट साइड क्या होता है। सारी चीज़ें जो है देखेंगे और ये इस लेक्चर में हम केवल और केवल द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज का केवल और केवल इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें क्वेश्चन वगैरह नहीं सॉल्व करेंगे, लेकिन हाँ ये अगर देखेंगे वीडियो को अच्छे से, स्किप नहीं करेंगे, तो एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी होगी और रेफरेंस बुक को भी आसानी से इजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। और अभी तक मैं जो है लाइंस एंड एंगल्स क्लास 7th का लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन यानी फुल वीडियो जो है चैनल पर डाल दिया हूँ। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट करके जरूर सारी वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वो सारे जो है उन सबके रूल्स, कुछ रूल्स जो है द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज में लागू होते हैं, कुछ जो है हेल्पफुल होता है क्वेश्चन को करने में और समझने में। देखिए ट्रायंगल होता क्या, पहले ये समझते हैं। देखिए तीन डॉटेड लाइन होते हैं, तीन डॉटेड लाइन, और इन तीनों लाइन तीनों डॉटेड यानी तीन पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए बी सी। और जब हम इन इन तीनों पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, तो एक जो है पॉलीगन बन जाता है, और इसमें जो है कितने नंबर ऑफ साइड होते हैं, कितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस होते हैं और कितने नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं, सब जो है देखेंगे। अब देखिए ये जो है ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल होता क्या है, ट्राई, ट्राई मीन्स होता है तीन, ट्राई मीन्स थ्री होता है, और एंगल, एंगल क्या होता है, एंगल कोण होता है। अब देखिए इसमें जो है साइड कितने होते हैं, ए बी ये एक साइड है, बी सी ये दूसरी साइड है और ए सी जो है ये तीसरी साइड है। अब इसमें एंगल क्या होता है, यानी अब देखिए इसमें वर्टाइसेस कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टाइसेस यानी वर्टेक्स कितने हैं, नंबर ऑफ वर्टेक्स इसमें तीन है, और नंबर ऑफ एंगल कितने हैं, एंगल भी तीन है। अब देखिए एंगल बनता कैसे है और वर्टाइसेस कब कहते हैं, दोनों जब दो लाइन, जाकर किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस कहते हैं। अब एंगल क्या होता है, एंगल जो दोनों लाइन के बीच में जो गैप है वही क्या होता है, वो एंगल होता है। क्या होता है, एंगल होता है। तो अब देखते हैं क्या, ट्राई, ट्राई मीन्स होता है थ्री, ट्राई मीन्स थ्री होता है, थ्री यानी इसमें कितने एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीन एंगल होते हैं और वर्टाइसिस कितना। अब देखिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, ये एंगल बनता कैसे है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स का होना जरूरी है। तो अब पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अब इस ट्रायंगल में देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट, अब देखिए एलिमेंट किसको किसको कहते हैं, एलिमेंट जो है हम एलिमेंट साइड और एंगल को क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। देखिए नंबर ऑफ साइड इसमें कितने हैं, साइड कितना है, साइड ए बी क्या है, ए बी जो है एक साइड है, और यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट, तक एक लाइन सेगमेंट आकर मिलती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइड कहते हैं। यानी ए बी क्या है, ए बी एक साइड है, ए बी एक साइड है, और बी सी क्या है, बी सी जो है ये भी एक साइड है, और ए सी क्या है, ए सी भी क्या है, ये भी एक साइड है, क्या है, ये भी जो है एक साइड है। अब देखिए एंगल को, एंगल की बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ एंगल होते हैं, एंगल्स को देखते हैं हम लोग। देखिए एंगल ए बी सी यानी एंगल इसमें कौन कौन से हैं, ट्रायंगल ए बी सी में एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी, क्या है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो देखिए साइड कित नंबर ऑफ साइड कितने हैं, तीन हैं, और नंबर ऑफ एंगल्स कितने हैं, तीन है, यानी तीन एंगल और तीन साइड। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आए निकल कर, सिक्स आया, क्या आया, सिक्स आया। तो ये कॉम्पिटिशन वगैरह में पूछ सकता है कि एक ट्रायंगल के अंदर, यानी ये भी कि एक ट्रायंगल जो है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रखता है, क्या ये भी इस तरीके से भी पूछ सकता है कि एक ट्रायंगल में या एक ट्रायंगल के अंदर या एक ट्रायंगल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट रख सकता है या रखता है। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, सिक्स होते हैं, कितने होते हैं, सिक्स होते हैं। अब देखिए इसी में हम जो है इसी ट्रायंगल को इतना पहले लिख लीजिए, इतना लिखिए,
अब देखिए इसी में, इसी ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं अपोजिट साइड एंड अपोजिट वर्टेक्सेस, वर्टाइसेस, यानी अब क्या देखेंगे, अपोजिट अपोजिट साइड एंड अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट साइड एंड अपोजिट वर्टेक्स, अपोजिट साइड एंड अपोजिट वर्टेक्स वर्टेक्स। तो ये जो है डिफरेंस डिफरेंस देख लेते हैं इसमें कि कौन किसका अपोजिट वर्टाइसेस और कौन किसका अपोजिट साइड होता है। देखिए वर्टाइसेस क्या है इसमें, ये क्या है, ये दोनों लाइन जहां जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं वो पॉइंट क्या है, ए है, ए है, यानी ए वर्टाइसेस का अपोजिट लाइन, अपोजिट लाइन सेगमेंट या अपोजिट साइड कौन सा है, बीसी है। कौन सी लाइन है, बीसी लाइन है। अब देखिए बात करते हैं बी की, वर्टाइसेस बी की, यानी सी लाइन और ए लाइन बी पॉइंट पर आकर मिल रही है, बी पॉइंट पर आकर मिल रही है, तो बी का अपोजिट वर्टाइसेस, सॉरी बी वर्टाइसेस का अपोजिट साइड, अपोजिट साइड कौन सा है, अपोजिट साइड है ए सी, क्या है, ए सी। अब सी पॉइंट को देखते हैं, देखिए सी पॉइंट पर बी और ए लाइन आकर फॉल हो रही है, गिर रही है, यानी सी पॉइंट पर आकर मिल रही है, तो सी वर्टाइसेस का अपोजिट साइड कौन सा है, सी वर्टाइसेस की अपोजिट साइड है ए बी लाइन, क्या है, ए बी सेगमेंट, ए बी लाइन सेगमेंट। देख लिए, अब देखिए इसमें जो है थोड़ा सा और रिवीजन करते हैं कि अपोजिट अपोजिट साइड यानी बीसी 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 लाइन की अपोजिट वर्टेक्स क्या है, बीसी लाइन की अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ए है। एसी लाइन सेगमेंट की यानी एसी साइड की अपोजिट वर्टाइसेस क्या है, अपोजिट वर्टेक्स क्या है, बी है। और ए बी साइड यानी ए बी लाइन सेगमेंट की अपोजिट वर्टेक्स क्या है, सी है, क्या है, सी है। इतना लिखिए लिखिए। देखिए अब हम लोग जो है मीडियन की बात करते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं, मीडियन क्या है, मीडियन। ट्रायंगल पहले बनाते हैं, ट्रायंगल बनाएंगे तो समझने में आसानी होगी। देखिए ये क्या है, एक ट्रायंगल है, इसको नाम देते हैं ए बी सी डी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जेड भी दे सकते हैं, हम नाम दे रहे हैं ए बी सी। ये क्या है, नाम दे दिए तीनों पॉइंट को, नाम दे दिए ए बी सी, ए बी सी, यानी इसमें तीन साइड होते हैं, तीन वर्टाइसेस, तीन एंगल्स होते हैं। अब देखिए इसको जो है फाइंड करते हैं कि ए वर्टेक्स से, ए वर्टेक्स से एक लाइन आ रही है और वो लाइन जो है बीसी लाइन पर आकर गिरेगी और बीसी लाइन को हाफ ऑफ द पार्ट में डिवाइड करेगी, कौन, जो लाइन ए वर्टेक्स से आई है, जो लाइन ए वर्टेक्स से आई है वो बीसी लाइन को हाफ ऑफ द पार्ट में दोनों को डिवाइड करेगी, डिवाइड करेगी। अब देखिए इसको हम नाम दे देते हैं डी, क्या नाम देते हैं, डी, यानी क्या लिख सकते हैं, ए डी इज द मीडियन ऑफ बी सी, क्या लिख सकते हैं, ए डी, ए डी इज द मीडियन ऑफ बी सी। ए डी क्या है, ए डी लाइन, ए डी जो है बी सी लाइन का क्या है, मीडियन है। तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं, अब देखिए ये जो है ए वर्टेक्स से जो लाइन आई है यानी ए डी लाइन जो क्या कर रही है, बी सी लाइन को कट कर रही है हाफ ऑफ द पार्ट में, यानी समझ रहे हैं, देखिए समझते हैं, बी डी, बी डी की यानी बी से डी की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो हम ये कह रहे हैं कि ए डी लाइन जो है बी सी लाइन को हाफ ऑफ द पार्ट और इक्वल पार्ट में जो है डिवाइड कर रही है, हाफ इक्वल पार्ट में, तो डी डी सी लाइन की दूरी कितनी होगी, ये भी कितनी होगी, 10 ही सेंटीमीटर होगी, कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। यानी कहने इसका मतलब ये हुआ कि बी डी लाइन की दूरी जितनी है उतनी ही दूरी डी सी डी सी की होगी। तो क्या लिख सकते हैं हम, बी डी बराबर डी सी बराबर बी सी अपॉन टू, क्या, बी सी अपॉन टू। अब देखिए बी सी अपॉन टू, ये अपॉन टू क्यों है, क्योंकि जो है बी सी का जो है हाफ हो रहा है, बी सी लाइन का को जो है हाफ कर रहा है कौन, ए डी लाइन, इसलिए जो है बी सी अपॉन टू होगा। अब क्या समझ में आया कि इसका क्या समझ में आया, इसका मतलब ये होगा कि बी डी की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी दूरी जो है डी सी की होगी, उतनी ही दूरी डी सी की होगी। अब देखते हैं कि बी वर्टेक्स से एक लाइन जा रही है, किस पर गिर रही है, एसी लाइन पर, इसको हम नाम दे देते हैं एफ एफ। तो क्या लिखेंगे, बी एफ इज द
मीडियन ऑफ एसी, बीएफ इज द मीडियन ऑफ एसी लाइन। एसी क्या लिखेंगे, बीएफ इज द मीडियन ऑफ एसी, यानी बीएफ लाइन जो है एसी लाइन को हाफ ऑफ द पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सी एफ लाइन की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी जो है एफ ए लाइन की होगी, एफ ए की होगी। अब देखिए लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं कि सी एफ बराबर एफ ए बराबर ए सी या सी ए सी अपॉन टू, यानी ए सी लाइन अपॉन टू की लिखें, क्योंकि जो है ए सी लाइन को बी एफ लाइन क्या कर रहा है हाफ ऑफ द पार्ट में जो है दोनों को क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, बांट रहा है, इक्वल पार्ट में बांट रहा है। अब देखिए एक वर्टाइसेस, एक मीडियन ये भी है, एक मीडियन ये भी है, क्या है इसको नाम दे देते हैं ई, क्या नाम दे देते हैं ई। अब देखिए क्या लिखेंगे, सीई इज द मीडियन ऑफ ए बी लाइन। सीई क्या है, सीई ये मीडियन है किसकी, ए बी लाइन की। तो क्या लिख सकते हैं यहां, सी सीई CE इज द मीडियन ऑफ AB। CE क्या है, CE जो है AB लाइन की मीडियम है, मीडियन लाइन है। तो अब देखिए क्या लिख सकते हैं, BE बराबर EA बराबर AB, या फिर BA दोनों तरीके से लिख सकते हैं, AB अपॉन टू। ये ए बी को, ए बी के नीचे जो है टू क्यों लगाए, क्योंकि जो है सीई लाइन हाफ ऑफ द पार्ट को कट कर रहा है, किसको कट कर रहा है, ए बी लाइन को, हाफ ऑफ द पार्ट में जो है ए बी लाइन को कट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है बी डी, अब इसको जो है थोड़ा रिविजन करते हैं हम लोग, कि बी डी की दूरी, बी डी लाइन की जितनी जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी डी सी की होगी, और सी एफ लाइन की जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी एफ ए लाइन की होगी, और बी लाइन की दूरी जितनी होगी उतनी ही दूरी ई ए लाइन की होगी, ई ए लाइन की होगी। और देखिए यानी अभी हम लोग क्या देखे थे कि बी वर्टाइसिस की अपोजिट साइड कौन है, ए सी है, और सी वर्टाइसिस की अपोजिट अपोजिट लाइन अपोजिट साइड कौन है, ई है, सॉरी ए बी है। या ये भी निकल कर आया कि एक ट्रायंगल कितने नंबर ऑफ मीडियन रखता है, कितने नंबर ऑफ मीडियन रखता है, एक ट्रायंगल के अंदर नंबर ऑफ मीडियन तीन होते हैं, कितने होते हैं, तीन होते हैं, और ये जो तीनों नंबर ऑफ मीडियन लाइन, मीडियन जो जिस पॉइंट पर दोनों तीनों लाइन जो है इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड, क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं, क्या नाम दे देते हैं, सेंट्रॉइड नाम दे देते हैं। तो एक पॉइंट ये भी है, एक पॉइंट ये भी है, स्टार बनाकर लिख दीजिए कि ऑल मीडियन लाइंस, ऑल मीडियन क्या लिखेंगे, ऑल मीडियन आर लाई इन द इंटीरियर ट्रायंगल, क्या, इंटीरियर ट्रायंगल, इंटीरियर ट्रायंगल, इसको भी लिख लीजिए, छापिए। चलिए अब देखते हैं जो है एक्यूट एंगल के अंदर, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर कितने नंबर ऑफ मीडियन होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कितने नंबर ऑफ मीडियन होते हैं, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर कितने नंबर ऑफ मीडियन प्रेजेंट होते हैं। चलिए देखते हैं, पहले देखते हैं हम कि एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कितने डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी एक्यूट ट्रायंगल, देखिए ये जो होता है ये लेस देन 90 डिग्री होता है, क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री, यानी ट्रायंगल है इसमें 10 एंगल प्रेजेंट होते हैं, तो हमें एक एंगल ऐसा दिखे, ऐसा मिले कि जो 90 से कम हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखिए इसमें नंबर ऑफ मीडियन यानी इस वर्टेक्स का अपोजिट अपोजिट लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, और इस वर्टेक्स की अपोजिट लाइन कौन सी है, ये वाली है, और इस वर्टेक्स की अपोजिट लाइन कौन सी है, ये वाली है। समझ में आया कि कितने नंबर ऑफ मीडियन होते हैं इसमें, एक दो तीन, कितने नंबर ऑफ मीडियन होते हैं इसमें भी, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में भी कितने नंबर ऑफ मीडियन होते हैं, तीन होते हैं, क्या होते हैं, तीन होते हैं, और जिस पॉइंट पर तीनों मीडियन लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बोल देते हैं सेंट्रॉइड कह देते हैं, क्या कह देते हैं, सेंट्रॉइड।
सेंट्रॉइड, क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड कहते हैं। अब देखते हैं राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के उसमें देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ मीडियन इसमें होते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल यानी एक एंगल हमें कैसा हो, कैसा मिले, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो, कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। अब देखिए इस वर्टेक्स की अपोजिट लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, यानी इस वर्टेक्स से एक लाइन लेकर आएंगे जो कि इस वाली लाइन के मिड पॉइंट पर लाकर उसको जो है फॉल करेंगे कराएंगे, तो वो क्या होगा, वो मीडियन होगा। देखिए इस वर्टेक्स की अपोजिट लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, तो यानी इस वर्टेक्स से एक लाइन लेकर जाएंगे जिस पर उसके सामने वाले लाइन पर, सामने वाले साइड पर क्या करेंगे, उसके मिड पॉइंट पर ले जाकर गिराएंगे। इस वर्टेक्स की अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली है, आया समझ में? अब इस जो तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको एक नाम दे देते हैं, क्या, सेंट्रॉइड। इस तरीके से आप नाम ए बी सी डी एक्स वाई जेड नाम करके देकर जो है लिख सकते हैं। अब देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल हमें 1 डिग्री, एक एंगल कैसा होना चाहिए, एक एंगल जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री होनी चाहिए, क्या, ग्रेटर देन 90 डिग्री होनी चाहिए, तो हमें क्या पता चलेगा कि वो जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। हो सकता है कि ये नीचे ना दिख रहा हो, बना लेना इस तरीके से, इसे ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे कि मीडियन नंबर ऑफ मीडियन कितने होते हैं। देखिए इस वर्टेक्स की अपोजिट लाइन कौन सी है, ये वाली, इसके मिड पॉइंट पर ले जाकर हम फॉल कराएंगे। इस वर्टेक्स की अपोजिट लाइन ये वाली है, इस वर्टेक्स की अपोजिट लाइन ये वाली है। अब देखिए क्या देखने को मिला, इसमें भी नंबर ऑफ मीडियन 3 होते हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल में सब में जो है थ्री 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 मीडियन, नंबर ऑफ मीडियन जो है प्रेजेंट होते हैं, यानी 3 मीडियन लाइन होते हैं, 3 मीडियन लाइन होते हैं, इतना लिखिए। देखिए अब हम पढ़ते हैं एल्टीट्यूड को, क्या पढ़ते हैं, एल्टीट्यूड को पढ़ने जा रहे हैं। एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का हिंदी में माना होता है ऊंचाई, क्या होता है, ऊंचाई, ऊंचाई। इसका एल्टीट्यूड का एक इंग्लिश में दूसरा माना होता है, दूसरा माना होता है हाइट, क्या होता है, हाइट। हाइट कही है, एल्टीट्यूड कही है, ऊंचाई कही है, दोनों, तीनों सही है, क्या, तीनों सही है। पहले एक ट्रायंगल को लेते हैं, एक ट्रायंगल को लेते हैं, क्या, एक ट्रायंगल को लेते हैं, ए बी सी। देखिए पहले जो है छोटा सा एक बाहर का एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग जो है खेलते हैं, कोई गेम वगैरह खेलते हैं, तो ऊपर जब कोई बॉल वगैरह कुछ फेंकते हैं तो वो जो है किसी ऊंचाई से वापस आती है, किसी ऊंचाई से वापस आती है, और जहां से वापस आती है, जितने ऊपर से वापस आती है उसको हम क्या मानते हैं, हाइट मानते हैं, क्या मानते हैं, हाइट मानते हैं। अब देखिए जब यानी वो बॉल और वो कोई चीज़ है जो किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर आकर गिरेगी, तो उस पॉइंट को, उस जगह को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। और आकर गिरेगी कहाँ, जनरली जो है अर्थ पर ही आकर गिरती है, तो अर्थ को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। यानी कहने का मतलब कि हाइट जहां से बॉल आई थी उसको हम क्या मानेंगे, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को लेते हैं, उसको क्या मानेंगे, वर्टेक्स मानेंगे, वर्टेक्स मानेंगे, और जिस पॉइंट पर जहां जहां आकर गिरेगी उसको हम क्या मानेंगे, लाइन मानेंगे, क्या मानेंगे, अपोजिट लाइन उसको, यानी वर्टेक्स की अपोजिट लाइन पर आकर गिरेगी, तो वही जो है क्या होगी, हाइट होगी। देखिए समझते हैं, ए वर्टेक्स से कोई एक लाइन आती है जिसको हम नाम दे देते हैं ओ, क्या नाम देते हैं, ओ, और ये 90 डिग्री का कोण बनाती है किस पर, बीसी पर, बीसी पर। तो इस यानी अभी देखिए इसमें जो है दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल ए ओ बी, ट्रायंगल ए ओ सी, और ये क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल भी हो सकते हैं, हो सकते हैं इक्वल। अब देखिए देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम बेस मानते हैं किसको, बेस मानते हैं किसको, बीसी लाइन को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, क्या मानते हैं, बेस, बेस। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ट्रायंगल जब हम बीसी लाइन को बेस मानते हैं तो एबीसी ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, बेस किसको माने हैं, बीसी को माने, तो और बीसी लाइन पर कौन सी लाइन आकर फॉल हो रही है, एओ लाइन, एओ लाइन आकर फॉल हो रही है, तो यानी बीसी लाइन के लिए एओ लाइन क्या है, हाइट है।
AO लाइन क्या है, हाइट है। अब देखिए AC लाइन को जब हम बेस मानते हैं, बेस किसको माने, AC लाइन को, AC लाइन को क्या मानते हैं, बेस, क्या बेस मानते हैं। तब देखिए जब हम AC लाइन को बेस मानते हैं तो देखिए AC लाइन की, AC साइड की, AC लाइन सेगमेंट की अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, B है। यानी B से एक लाइन गुजरेगी और जाकर फॉल होगी कहाँ, AC लाइन पर। इसको नाम दे देते हैं, जिस पॉइंट पर आकर गिरेगी उसको हम नाम दे देते हैं E। यानी BE लाइन AC लाइन पर आकर आकर फॉल होती है, तो हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, BE होगा, क्या होगा, BE होगा। यानी बेस पर कौन सी लाइन जाकर गिर रही है, वही हाइट होती है, वही हाइट होती है। अब देखिए हम AB लाइन को बेस मानते हैं, AB लाइन को बेस मानते हैं, तो AB लाइन की अपोजिट वर्टेक्स कौन सी है, C है, क्या है, C है। यानी C वर्टेक्स से एक कोई लाइन आएगी और AB लाइन पर फॉल होगी, हम इसको मानते हैं F पॉइंट पर ये फॉल हुई, गिरी है आगे। अब यहां पर क्या मानेंगे हम, AB को क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, AB को क्या मानेंगे, बेस, AB क्या है, बेस है। हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, CF होगा। यानी कौन सी लाइन जो है बेस लाइन पर जाकर गिर रही है, CF लाइन जो है बेस पर उस पर जाकर गिर रही है। अब इसमें ये भी हो है कि नंबर ऑफ एल्टीट्यूड कितने फॉर्म हुए एक ट्रायंगल के अंदर, 3 फॉर्म हुए। कौन कौन से नाम क्या है, एल्टीट्यूड, यहां लिख देता हूं मैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मैं नाम लिख देता हूं, कौन कौन से हैं, कौन कौन से लाइन एल्टीट्यूड है। देखिए AO लाइन क्या है, ये एल्टीट्यूड है, BE लाइन क्या है, ये भी क्या है, एल्टीट्यूड है, और एंड CF क्या है, CF ये भी एल्टीट्यूड है, क्या है, एल्टीट्यूड है। छापिए इसको। अब देखिए एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पर, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल के अंदर कितने नंबर ऑफ एल्टीट्यूड होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर कितने नंबर ऑफ एल्टीट्यूड होते हैं। देखिए पहले देखते हैं एक्यूट एंगल को, क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल को देखते हैं। देखिए अभी जो डायग्राम बनाया था बिल्कुल वही सही, ए बी सी, यहां से एक लाइन गिराया था BC लाइन पर, यानी BC को बेस माना था, इसको नाम दिया था AO, और यहां पर यानी AC लाइन को जब बेस माना था तो क्या दिया था, बी वर्टेक्स से एक लाइन गुजरी थी जो E पॉइंट पर आकर मिली थी, C वर्टेक्स से एक लाइन गुजरी थी जो F पॉइंट पर आकर मिली थी। इसी तरीके से नाम दे देंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी बताया हूं। तो जो ट्रायंगल था वो जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल था, उसी तरीके से ये भी। अब देखिए हम बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल ट्रायंगल की। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कितने एल्टीट्यूड होते हैं, कितने नंबर ऑफ एल्टीट्यूड होते हैं और कहां होते हैं, कैसे होते हैं। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए जो 90 डिग्री का हो, एक कोण कैसा हो 90 डिग्री का हो, एक कोण कैसा हो 90 डिग्री का, नाम दे दीजिए ABC, क्या ABC। अब देखिए जब हम AB लाइन को जब बेस मानते हैं, AB लाइन क्या है हमारा, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, AB लाइन क्या है, बेस है, क्या है, बेस है। तो देखिए AB लाइन को बेस माने हैं, ये लाइन क्या है, A वर्टेक्स की अपोजिट लाइन कौन सी है। लेकिन एल्टीट्यूड जो होगा ना बिल्कुल स्ट्रेट लाइन और 90 डिग्री का बनेगा, जब हम इसको यहाँ फॉल कराएंगे तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा नहीं, लगभग एक्यूट लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, इस तरीके से बनेगा। तो क्या होगा AB लाइन का एल्टीट्यूड क्या है, AB लाइन का एल्टीट्यूड है यानी हाइट ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, AB ही होगा। देखिए अगर हम यहां से एक लाइन लेकर आ जाए तो फिर ये इसी पॉइंट पर आकर मिलेगा, क्या मिलेगा, इसी पर आकर मिलेगा। अब देखिए हम मानते हैं बेस, मानते हैं BC लाइन को बेस, मानते हैं क्या, मानते हैं BC लाइन को बेस मानते हैं, क्या मानते हैं,
बेस मानते हैं। तो देखिए ये वाली लाइन भी जब बी पॉइंट पर अगर गिर रही है तो क्या बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यानी हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी, हाइट ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा, एबीसी क्या होगा, सीबी लाइन ही होगा, यानी बीसी लाइन या सीबी लाइन क्या होगा, बीसी लाइन होगा। एसी लाइन को हम क्या मानते हैं, बेस मानते हैं। अब देखिए एसी लाइन को बेस मानते हैं, एसी लाइन को बेस जब मानते हैं, बेस मानते हैं तो हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, क्या होगा, यहां से एक लाइन जाएगी, इसको बाइसेक्ट करेगी, इसको हम नाम देते हैं बी जी, बी जी। तो यानी एसी लाइन की, एसी लाइन की, एसी लाइन की जो हाइट होगी क्या होगी, बी जी होगी, क्या होगी, बी जी होगी, बी जी। छापिए इसको, उसके बाद देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को, उसमें कितने नंबर ऑफ हाइट और कैसे होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को देखते हैं, देखिए ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है एक कोण कैसा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब देखिए इसमें हम हाइट कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, इसमें हाइट कैसे निकालेंगे, देखिए हम इसको नाम देते हैं ए बी सी, लिख लिख के बताऊंगा एक एक पॉइंट। देखिए ए बी लाइन को क्या मानते हैं, हम बेस मानते हैं, ए बी लाइन को क्या मानते हैं, बेस, क्या मानते हैं, बेस। अब देखिए ए बी लाइन के सामने का वर्टेक्स कौन सा है, ये वाला है, ये वाला ना, तो देखिए इसकी इसकी जो, इसकी जो हाइट होगी यहां आकर गिरेगी, यहां आकर गिरेगी, इसको हम नाम दे देते हैं सी डी, क्या देते हैं, सी डी। तो हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाइट ऑफ, हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, सी डी होगा, क्या होगा, सी डी होगा, क्या होगा, सी डी होगा। भाई ये बाहर क्यों है, ये बाहर क्यों है, क्योंकि हाइट निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, हाइट निकाल रहे हैं, यानी एल्टीट्यूड निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, एल्टीट्यूड निकाल रहे हैं, और किस में, ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में। अब देखिए हम बेस मानते हैं किसको, बीसी लाइन को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, बीसी लाइन को क्या मानते हैं, बेस, बीसी लाइन को क्या मानते हैं, बेस, क्या मानते हैं, बेस। अब देखिए हाइट जो होता है बिल्कुल सीधे सीधे होता है ना, बिल्कुल सीधे सीधे होता है, देखिए इसकी हाइट जो है यहां आएगी, यहां कहीं यहां आएगी, अब इसको हम नाम दे देते हैं ए एफ, इसको नाम देते हैं एफ, क्या नाम देते हैं, एफ। ए बी लाइन को बेस माने हैं तो हाइट ऑफ ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, ए एफ लाइन हाइट होगी इस ट्रायंगल की, जब हम बी सी को बेस मानते हैं तब। अब बेस मानते हैं एसी लाइन को, एसी लाइन को बेस मानते हैं, एसी लाइन को बेस मानते हैं। तो अब देखिए, अब देखिए ये जो है ये डायरेक्ट यहीं पर आकर मिल जाएगी, इसको हम नाम दे देते हैं ई, यानी जब हम एसी लाइन को बेस मानते हैं, एसी लाइन को बेस मानते हैं तो हाइट ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाइट ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल की हाइट क्या होगी, बी ई होगी, क्या होगी, बी ई होगी, आया समझ में। अब सवाल आ रहा होगा दिमाग में कि ये जो है डॉटेड लाइन करके बाहर, ट्रायंगल के बाहर जो है एल्टीट्यूड शो हो रहा है, बिल्कुल शो होगा, क्यों, क्योंकि हाइट जो होती है ना, किसी चीज की हाइट जो होती है बिल्कुल सीधे सीधे नापी जाती है, सीधे सीधे बॉल आकर गिरती है जमीन पर, ना कि ऐसे ऐसे लहरा के ऐसे आके गिरती है, नहीं, ऐसे ऐसे आके गिरेगी तो हाइट कैसे मेजर होगा, नहीं होगा ना। अब हम खड़े हैं सीधे, अगर दर्जी के पास जाएं, नपवाने जाएं, शर्ट सिलवाना है, नपवाने जाएं, तो क्या ऐसे खड़े होंगे, ऐसे खड़े होंगे, नहीं होगा, स्ट्रेट होना चाहिए ना, तभी तो लेंथ जो है मेजर कर पाएंगे हम, उसकी हाइट क्या होगी, लिखिए इसको।